हेलो आई एम प्रोफेसर एल के गवेल गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, दिस लेक्चर इस प्रिपेयर्ड फॉर पीजीडीसी जी सेकेंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, दिस इज अ फर्स्ट लेक्चर For PGDCA second semester. In this lecture, we have covered Introduction to IT, History of Computer and Computer Generation. Now, first uh, we will discuss about what is the information technology. बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जिम डोमेस्टिक नामक साइंटिस्ट जो कि मिसिंगन कहें नवम्बर उन्नीस में इस शब्द का प्रयोग किया था शुरुआत में इस शब्द को डेटा प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता था एक्चुअल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने इस शब्द का प्रयोग किया था और इसके अंतर्गत डिज़ाइन करना स्टडी करना डेवलपमेंट करना सपोर्ट करना मैनेजमेंट करना जो भी कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है और इसके लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन और हार्डवेयर यदि हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन सिस्टम का समूह है क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा ही हम इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से दूसरे दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जो डेटा होती है उस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं मतलब जब भी कोई डेटा डेटा मतलब होता है एंटिटी एंटिटी कोई तथ्य ऐसा तथ्य जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है उसको हम बोलते हैं डेटा उस डेटा को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं तब वो कहलाता है इन्फॉर्मेशन और इसी इंफॉमेशन्स को हम किस तरीके से एक दूसरे के पास हम भेज सकें जो इंफॉमेसन्स हम भेजते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई एरर ना हो और इन्फॉर्मेशन हमारा बहुत ही जल्दी एक दूसरे के पास पहुंच जाए पहले समय में इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को देने के लिए बहुत ही प्रकार के आ, साधन का उपयोग किया जाता था जैसे पहले ज़माने में कबूतर के द्वारा मैसेज भेजा जाता था उसके बाद किसी व्यक्ति के द्वारा मैसेज भेजना शुरू हुआ फिर उसके बाद ए, पोस्टल एड्रेस पोस्टकार्ड इन्वलअप मतलब मेल के थ्रू शुरू हुआ आज हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं आज हमारा मैसेज कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से ईमेल का उपयोग करते हैं व्हाट्सएप के जरिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग होते गया है और दिनों ही दिन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नए नए खोज होते जा रहे हैं जिसके द्वारा हमारा मैसेज एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही जल्दी और सही तरीके से बिना एरर के पहुंच जा रहा है इसी को हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना का आदान प्रदान हम किस प्रकार से करेंगे और बहुत ही जल्दी और बहुत ही रिएबल तरीके से सूचना हमको पहुंचना चाहिए तो इस तकनीकी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो हम प्रयोग करते हैं उसमें सबसे मुख्य होता है कंप्यूटर। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर हम किसको बोलते हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है जैसे कि कैलकुलेट करना कोई भी गढ़ती प्रक्रिया है उसको डेटा को प्रोसेस करना और इसी डेटा को जब हम कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या ई और उस कंप्यूटर को भी हम कभी कभी बोलते हैं ई मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो डेटा को स्टोर करता है डेटा को प्रोसेस करता है और जो भी प्रोसेस डेटा रहता है उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं तो यदि हम कंप्यूटर को डिफाइन करें कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर तो एक लाइन में हम ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म्स वेरियस टाइप ऑपरेशंस कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग डेटा एंड रिट्रीविंग डेटा इसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग हम क्यों करते हैं वाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के बहुत सारे करेक्ट्रिस्टिक्स हैं उन करेट्रिस्टिक्स में सबसे पहले आता है स्पीड उसके बाद आता है एक्यूरेसी उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी फिर डेटा स्टोरेज कैपेसिटी फ्लैक्सिबिलिटी वर्चुअलिटी ऑटोमेशंस रिमेंब्रेंस पावर स्पीड का मतलब होता है कि हम यदि कोई ह्यूमन बींग यदि कोई कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है कोई भी गढ़ती प्रक्रिया को परफॉर्म करता है तो वो उस गढ़ती प्रक्रिया को परफॉर्म करने के लिए बहुत समय लगता है जबकि हम उसी गढ़ती प्रक्रिया को कंप्यूटर के द्वारा हम परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही कम समय में हम उस गढ़ती प्रक्रिया को या उस डेटा को प्रोसेस करने की प्रक्रिया को बहुत जल्दी कर लेते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई होती है बहुत ही फास्ट होती है कोई भी कैलकुलेशंस को बहुत ही कम समय में या हम बोल सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट टाइम में हम उसको प्रोसेस करते हैं दूसरा मुख्य है करेक्टरिस्टिक दैट इज़ एक्यूरेसी एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो कितना सही तरीके से कैलकुलेट होता है जैसे कि यदि हम कोई नंबर को जोड़ते हैं जैसे टू प्लस टू करते हैं तो हम फोर होता है ये तो बहुत छोटी संख्या है इसलिए ह्यूमन बींग्स या कोई भी जो पढ़ा लिखा है व्यक्ति है वो बहुत जल्दी तुरंत बता देता है लेकिन यदि ऐसी कोई डेटा को मान लो सौ डेटा है जो चार डिजिट के डेटा को यदि हम जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो क्या होगा ऐड करने के बाद हम अपने आप उसको चेक करने के लिए फिर से दोबारा जोड़ते हैं ताकि जो हमने पहली बार जोड़े हैं वो दूसरी बार जब हम जोड़ रहे हैं तो दोनों सेम होना चाहिए तब हम मानते हैं कि हाँ हमारा जोड़ा हुआ बहुत सही है कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है कंप्यूटर के द्वारा यदि हम कोई भी कैलकुलेशंस को करवाते हैं तो एक ही बार में वो सही रिजल्ट दे देता है हाँ कंप्यूटर गलती कब करेगा जब हम यदि उसमें प्रोग्रामिंग गलत तरीके से किए हैं या डेटा एंट्री जो कर रहे हैं या इनपुट डेटा जो है वो गलत एंट्री करेंगे तभी कंप्यूटर में कैलकुलेशन गलत हो सकता है अदरवाइज कंप्यूटर में जो भी हम गल जो भी गणना हम करेंगे उसका रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करिस्ट्रिक्सिस है कंप्यूटर का जिसके द्वारा आज हम सब हर समय हर जगह कंप्यूटर का उपयोग करते हैं नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कोई प्रक्रिया कोई कैलकुलेशंस को लगातार उसी स्पीड पे, उसी एक्यूरेसी से करते रहना जैसे यदि हम ह्यूमन बीइंग की यदि हम बात करें तो जब ह्यूमन कोई कैलकुलेशंस को करते रहता है यदि हम दिन भर उसको वही कैलकुलेशंस कराते रहेंगे या दस घंटे कैलकुलेशंस करते रहेगा तो वो टायर्डनेस फीलिंग करेगा तो टायर्डनेट फिलिंग करने के बाद क्या होगा कि वो उसकी स्पीड या उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं रहेगी जैसा है शुरू में उसने कोई कैलकुलेशंस कर रहा था इन द केस ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल द टास्क विदाउट टायर्डनेस मतलब कंप्यूटर के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो ट्वेंटी फोर आवर उसी स्पीड से उसी स्पीड से उसी एक्यूरेसी से करेगा और इसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर कभी टायर्ड फील नहीं करेगा जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग टायर्ड फील करता है नेक्स्ट है डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है जिसमें बहुत ही लार्ज वॉल्यूम डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं और उसको स्टोर करने के लिए जैसे हम हार्ड डिस्क हुआ सीडी ड्राइव हुआ पेन ड्राइव हुआ मेमोरी कार्ड हुआ कई प्रकार के ऐसे डिवाइसेस हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है वो कुछ ही डेटा को स्टोर कर सकता है और उसको रिकॉल कर सकता है लेकिन यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जितने भी डेटा होगी उस डेटा को वो उतना ही स्पीड से स्टोर करेगा और उसी डेटा को एज इट इज़ वैसे ही हम रिकॉल कर सकते हैं जिस प्रकार से स्टोर किए हैं तो डेटा कैपेसिटी या डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर सिस्टम की बहुत ही अधिक होती है फ्लैक्सिबिलिटी फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब होता है कंप्यूटर को हम किसी भी प्रकार के उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं जैसे मान लो हमको कंप्यूटर में मूवी देखना है या वीडियो देखना है या म्यूजिक सुनना है या गेम खेलना है या कोई पिक्चर देखना है या कोई मैसेज टाइप करना है कोई भी प्रकार के काम हम कर सकते हैं दैट इज़ अ फ्लेक्सिबल तो कंप्यूटर हर प्रकार के काम करने के लिए फ्लेक्सिबल है और हम उसमें हर प्रकार के काम कर सकते हैं उसके बाद आता है वर्सेलिटी वर्सेलिटी का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही वर्सेटाइल मशीन है अब वर्सटाइल का मतलब कैसे हम बोल सकते हैं कि हम एक ही कंप्यूटर के सहायता से हम उस कंप्यूटर का उपयोग कई जगह फील्ड में कर सकते हैं जैसे एग्जामिनेशन सिस्टम में हमको रिजल्ट बनाने में मिसाइल नेविगेशन में मिसाइल को लॉन्च करने में सैटेलाइट के संबंध में के डिज़ाइन के संबंध में यदि हम कॉमर्स की बात करें तो वहाँ बिल बाउचर बनाने के लिए हम कर सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में हम कर सकते हैं फिल्म उद्योग में हम कर पा रहे हैं फिल्म उद्योग में जैसे वी वी एफ एक्स के द्वारा हम कंप्यूटर में वर्चुअल इफेक्ट हम डाल रहे हैं इसका मतलब ये होगा कंप्यूटर एक अकेला हर प्रकार के हर जगह पे हम उसका उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं वर्सेलिटी साइंस में हुआ रिसर्च में हुआ इस तरीके से कंप्यूटर का प्रयोग हर जगह हर फील्ड में एक इंजीनियर घर की डिज़ाइन करता है नक्शा बनाता है वो कंप्यूटर की सहायता से ही बनाता है तो इस प्रकार से कंप्यूटर का प्रयोग मल्टी डायमेंशन या मल्टी एरिया में हम उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं वर्सेटाइल मशीन नेक्स्ट है ऑटोमेशंस ऑटोमेशंस का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक कार्य करना यदि हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम हम लगा दें या कोई प्रोग्राम हम स्टार्ट कर दें तो वो अपने आप वो प्रोग्राम आगे इंस्ट्रक्शंस देते रहेगा और अंतिम तक करते रहेगा जैसे हम कोई प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम में बहुत सारे लाइन होते हैं तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं तो एक लाइन -एक को एक्सिक्यूट करते हुए पूरे प्रोग्राम को खतर कर ख़त्म करता है तो इसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन मतलब एक बार स्टार्ट करने के बाद या एक बार हम कोई काम को प्रोग्राम कर दें तो वो प्रोग्राम जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक वो अपना एक स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप करते रहेगा और इसी स्टेप्स को हम बोलते हैं ऑटोमेशन जैसे आजकल आप लोग देख रहे हो कंप्यूटर कई उपयोग हो रहा है एसी में हुआ फ्रिज में हुआ वॉशिंग मशीन में हुआ जो ऑटोमेटिक की हम बात करते हैं जहाँ पर हम प्रोग्राम सेट कर देते हैं और हम एक बार ऑपरेट कर देते हैं तो अपने आप मशीन चलते रहता है और चलने के बाद जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक तो चलता है जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है वैसे ही मशीन अपने आप बंद हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोमेशन नेक्स्ट है, है रिवेंडेंस पावर दैट इज़ आल्सो मेमोरी मेमोरी पावर है जो हम स्टोरेज कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं उसी का ही एक पार्ट है पार, मेमोरी कैपेसिटी जिसमें स्टोर जो हम डेटा को कर रहे हैं वो डेटा उतने ही फास्ट डेटा को जो स्टोर किए हैं उतने ही फास्ट हम उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं एज इट इज़ वैसे कि वैसे जैसे हमने स्टोर किया है तो दैट इज़ कॉल्ड रिम्बरेंस पावर जैसे यदि मानव या ह्यूमन बींग्स की यदि हम बात करें तो यदि हम अभी एक लेक्चर हम पढ़ रहे हैं और उस लेक्चर को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद यदि हम बोलें उसको कि एज इट इज़ वैसे ही बताओ जिस प्रकार से सुने हो तो आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं बता सकता इट इज़ क्योंकि कई न कई चीज़ें उसको छूट जाएगा कई न कई चीज़ें अपने मन से बना देगा जबकि कंप्यूटर में यदि कोई भी डेटा हमने प्रोग्राम किया है कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर किए हैं उस इंफॉर्मेशन को इट इज़ उसी ही फॉर्म में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी पावर या रिमेंबर पावर कितना हमारा याददाश्त है रिमेंबर का मतलब होता है याददाश्त की पावर नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर के हिस्ट्री कंप्यूटर के हिस्ट्री कंप्यूटर एक्चुअली में बहुत ही पहले यदि हम बात करें ईसा पूर्व 6000 ईसा पूर्व की यदि हम बात करें 5000 ईसा पूर्व की बात करें तो उस समय में जो कैलकुलेशंस किया जाता था चाहे वो साइन लैंग्वेज के द्वारा हो या स्टोन के द्वारा हो या पर्टिकुलर किसी स्टिक के द्वारा हो जो काउंट हम कर रहे हैं वो एक प्रकार का कैलकुलेशंस ही है और उसी को ही हम बोलते हैं कैलकुलेशंस करना जैसे ग्रीस में सबसे पहले एपकस हुआ जिसको हम एशियंट कंप्यूटर के नाम से जानते हैं जिसके द्वारा हम एपकस में हम जोड़ घटाना गुड़ा भाग सब हम कर सकते हैं यदि हम बात करें अब मॉडर्न के टाइम की बात करते हैं तो सन 1801 में फ्रांस में जोफेस जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने एक इन्वेंट किया था लूम जो एक्चुअल में पंच उड़न कार्ड है जो डिज़ाइन करने में काम आता था इसमें फैब्रिक डिज़ाइन में जो बुनते हैं बुनकर लोग बुनाई करते हैं उसमें एक डिज़ाइनिंग करने के लिए एक लूम बनाया था 1801 में जोसेफ मैरी जैकड ने जिसको लूम, लूम के नाम से हम जानते हैं वो एक प्रकार का पंच कार्ड था जिसमें बहुत सारे पंचेस होल थे और उसके द्वारा से उसने एक डिज़ाइन बनाया था सन 1822 में जो इंग्लिश मैथमेटिशियन है चार्ल्स बेबेज जिन्होंने एक स्ट्रीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन बनाया था जो कंप्यूटर कंप्यूट कम्पुट करता था नंबर को किसी भी नंबर को कैलकुलेट करने के लिए उसने एक्चुअल में दो प्रकार का मशीन बनाया था एक था डिफरेंस इंजन उसके बाद उसको मॉडिफाई करके एनालिटिकल इंजन बनाया और उसी डिफरेंस इंजन और इलेक्ट्रिकल इंजन जो पुराने समय के पहला कंप्यूटर के नाम से हम जानते हैं और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है और क्योंकि उसकी समय से कंप्यूटर का जो मेन जो कॉन्सेप्ट था वो सभी के सामने आया था और उस समय जो कंप्यूटर था वो पूरी तरीके से मैकेनिकली कंप्यूटर था मैकेनिकल था गेयर्स वगैरह लगे होते थे उसी गेयर्स के द्वारा कैलकुलेशंस, एडिशन, एप्टशन किया जाता था उसके बाद नेक्स्ट 1890 में हरमन होलिथ ने एक पंच कार्ड डिज़ाइन किया और उस पंच कार्ड के द्वारा कैलकुलेट किया गया और बेसिकली इसका उपयोग जो हुआ था सेंसस में कि किस प्रकार से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं गणना कर सकते हैं उसका उसने हरमेन है, रोलिथ ने पंच कार्ड के रूप में बनाया था और ये एक कंपनी था जो आईबीएम के नाम से उसने इस्टेब्लिश किया था सन नाइनटीन थर्टी सिक्स तुरिंग दैट इज़ अ प्रजेंट नोशन ऑफ द यूनिवर्सल मशीन और उसी को हम ट्यूरिंग मशीन के नाम से जानते थे जो कि हर चीज़ को कंप्यूट करने के लिए कंप्यूट एलिजिबल था मतलब उस मशीन में हम कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज़ द थरिटिकल कॉन्सेप्ट और इसीलिए उसको हम बोलते हैं मॉडर्न कंप्यूटर का एक आइडिया एलम एन टूरिंग ने दिया था कि किस प्रकार से कंप्यूटर काम करेगा और किस प्रकार से कंप्यूटर में हम काम करा सकते हैं और उसके जो प्रिंसिपल था उसको ट्यूरिंग मशीन के नाम से जाना जाता 1937 थर्टी सेवन जे भी एटास्कोप या प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट लोअर स्टेट यूनिवर्सिटी उसने एक पहला कंप्यूटर विदाउट गियर केम विदाउट गियर केम बेल्ट और सॉफ्ट करके एक कंप्यूटर उसने डेवलप किया था उसके बाद 1939 थर्टी पैकार्ड जो कि कंपनी है जिसको डेविड पैकार्ड और बिल हैबर्ट ने बनाया था और उसने एक कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूजियम के रूप में डेवलप किया था 1941 फोटी एंड हिज ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लेप पोर्ड बेरी ने एक डिज़ाइन किया था कंप्यूटर जो कि 29 इक्वेशंस को साइमल्टीनस में सॉल्व कर सकता था और इस समय ये मार्क किया गया कि फर्स्ट टाइम कंप्यूटर कैन बी स्टोर इंफॉर्मेशन इन मैन मेमोरी 1941 1941 में एटानस्को के द्वारा ही ये बताया गया कि कंप्यूटर है उसमें हम कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं उसके मेन मेमोरी में उसके बाद 1943 फोर्टी 1944 या में मैचली एंड जे प्रेस्पर स्कॉट ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसको इनियाक के नाम से जाना जाता था इनियाक मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर और इसी के बनने के बाद जान मछली एंड जस्प्रेस इस्काट इस को गॉड फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर बोला गया इसमें 20 फुट बाई 40 फ़ुट के रूम के अंदर 18,000 हजार ट्यूब लगा था तो एक प्रकार का बोला जाए कि ये सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो पहला डिजिटल कंप्यूटर का शुरुआत 1943-1944 से शुरू हुआ अब 20 फीट बाई 40 फुट की रूम में 18,000 हज़ार वैक्यूम ट्यूब लगा उसने कंप्यूटर का डिज़ाइन किया था जिसको हम बोलते हैं इनियाक। 1946 नाइनटीन मछली एंड प्रेस्पर ने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और उसने एक यूनिवेक फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर का डेवलप किया जो बिजनेस और गवर्नमेंट एप्लीकेशन के रूप में यूज किया गया यूनिवर्सल कंप्यूटर एक बनाया 1946 में उसके बाद 1947 में विलियम सॉकली ने ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट किया ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट होने के बाद से कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था वो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ बंद करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना शुरू किया गया तो 1947 में विलियम शॉकली के द्वारा ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट किया गया और ट्रांजिस्टर के द्वारा ही अब नए कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉनिक इनफ कंपोनेंट्स यूज़ किया गया जहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल वैक्यूम ट्यूब वगैरह यूज़ करते थे 1958, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस ने इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट लाया और उसी इंटीग्रेटेड सर्किट को कंप्यूटर चिप्स के रूप में यूज़ किया गया और उसी के कारण से किल्बी को नोबल प्राइज़ फिजिक्स में सन टू थाउजेंड में दिया गया तो जैक जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नाइस उसके बाद 1964, डगलस इगलबोर्ट ने एक ऐसा कंप्यूटर का प्रोटोटाइप शो किया गया जिसमें माउस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उपयोग किया जा सकता है एक्चुअल में डगला सिल्वर्ड ने माउस को इजाद किया था और उस माइस माउस का उपयोग कंप्यूटर में यूज़ किया गया और कंप्यूटर में यूज़ करने के बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का भी कॉन्सेप्ट लाया जिसके द्वारा हम हमारा कंप्यूटर बहुत ही स्पेशलाइज्ड मशीन हो गया जहां पर हम साइंटिफिक और मैथमेटिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत ही अच्छे तरीके से हम परफॉर्म कर सकते थे और ये कंप्यूटर सभी जनरल पब्लिक के लिए भी आसानी से एसेसबल हो गया 1976 स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वाजनेक ने एक एप्पल कंप्यूटर्स अप्रैल फुल के दिन लॉन्च किया था जिसको एप्पल फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है एप्पल फर्स्ट और ये एक ऐसा कंप्यूटर था जो एक सिंगल सर्किट बोर्ड का यूज़ किया गया था एप्पल वन कंप्यूटर को में जो सर्किट बोर्ड यूज़ हुआ था वहाँ पर सिंगल सर्किट बोर्ड का यूज़ किया गया था इस कंप्यूटर सिस्टम में 1977 जॉब वाजनायक ने एप्पल कंपनी का एप्पल कंपनी के द्वारा एप्पल टू का कंप्यूटर का डेवलप किया गया और इसको पहली बार वेस्ट कोस्ट कंप्यूटर फेयर में लगाया गया इस कंप्यूटर के ख़ासियत थी कि इसमें कलर ग्राफिक्स और आइडियो कैसे ड्राइव का भी यूज़ किया गया था आइडियो कैसे ड्राइव के द्वारा डेटा को स्टोरेज करने का कॉन्सेप्ट लाया गया था और कलर ग्राफिक्स का मतलब है कलर सिंगल कलर से अब कलर ग्राफिक्स में आ गया था जिसमें अब हमारा सिस्टम जो था कलर हो, फुल हो गया था जिसमें हम अलग अलग कलर की पहचान कर सकते थे 1981 एट्टी वन द फर्स्ट आई वी एम पर्सनल कंप्यूटर दैट इज़ नेम इज़ अ एक को इंट्रोड्यूस किया गया जिसके अंतर्गत पहली बार माइक्रोसॉफ्ट एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग किया गया आई पर्सनल कंप्यूटर में और इसका जो चिप था वो उसमें इंटेल चिप था टू फ्लॉपी ड्राइव था और कलर मॉनिटर ऑप्शनल था उसके बाद 1993 में पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया जिसमें ग्राफिक्स और म्यूजिक भी आ गया तो इस प्रकार से कंप्यूटर का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होते गया कि शुरुआत से अभी तक किस प्रकार से हुआ और अभी भी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होते जा रहा है अभी भी नए नए चेंज होते जा रहा है अभी आप देख रहे हो कि पाम टॉप आ गया लैपटॉप से पाम टॉप में आ गया पी आ गया मोबाइल भी एक कंप्यूटर के तरीके से काम होने लग गया तो इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी लगातार चलते जा रहा है और आगे भी बढ़ते जाएगा और इस प्रकार से कंप्यूटर का यदि हम देखें तो किस प्रकार से धीरे 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 टेक्नोलॉजी चेंज होती गई और हमारे पास एक लेटेस्ट कंप्यूटर अवेलेबल है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्यूटर जनरेशंस बेसिकली कंप्यूटर जनरेशंस को पांच भाग पांच जनरेशन में डिवाइड किया गया है जिसमें पहला जनरेशंस जो होता है 1942 से 1955 तक सेकेंड जनरेशन है 1955 से नाइनटीन थर्ड जनरेशन है 1964 से 1975, फोर्थ जनरेशन है 1975 से 1989 और फिफ्थ जनरेशन 1989 से प्रेजेंट जो अभी हम लोग फिफ्थ जनरेशन में हैं तो हम देखते हैं कि पहला जनरेशन दूसरा जनरेशन तीसरा जनरेशन चौथा और पांचवा जनरेशन में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुआ था क्यों हम पहला जनरेशन बोलते हैं क्या टेक्नोलॉजी आया था क्या सॉफ्टवेयर था क्या उसकी करेक्ट्रिस्टिक्स है कौन सा सिस्टम फर्स्ट का है कौन सा सेकंड का ये सब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से जो बना था उसमें सबसे पहले यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रोमैगनेटिक रिले मेमोरी मेमोरी के रूप में इस पंच कार्ड सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में किया गया था सॉफ्टवेयर में मशीन और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट था जो पंच कार्ड में हम स्टोर करते थे जीरो वन पंच में और इसका उपयोग साइंटिफिक एप्लीकेशन में ही किया जाता था उस समय करेक्ट्रिस्टिक्स यदि हम देखते हैं तो बहुत बड़ा था साइज में जैसे आपने न्याक की बात किया बीस बाई चालीस फीट का था तो वो उसी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है अनरिएबल था उतने ज़्यादा मतलब हम रिएबल विश्वास नहीं कर सकते थे इसका बहुत ही कम कमर्शियल यूज़ था और इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन बहुत डिफिकल्ट था और बहुत कॉस्टली था इस समय के कंप्यूटर में जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में है इन्याक है ई है ई है यूनी वेक वन है आई वी एम सेवन जीरो वन ये फर्स्ट जनरेशन तो बेसिकली यदि हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था और स्टोरेज के रूप में पंच कार्ड नेक्स्ट आता है सेकेंड जनरेशन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर सिस्ट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्योंकि शौकले ने ट्रांजिस्टर का खोज कर लिया था तब अब सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ ट्रांजिस्टर के साथ साथ मैग्नेटिक कोर एज अ प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज़ किया गया जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क uh, जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में काम उपयोग में लाया गया इसमें सॉफ्टवेयर में यदि हम देखते हैं तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आ गया था सेकेंड जनरेशन में जहाँ कोबोल वगैरह का यूज़ शुरू हो गया था साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन का उपयोग यहाँ पर किया जाता था तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं और ये हार्डवेयर है इसकी यदि हम कंस्टिस्टिक देखें तो फास्टर है स्मॉलर है यदि हम पहले जनरेशन की तुलना करेंगे तो ये उससे फास्ट था और उसके साइज में छोटा था क्यों क्योंकि तो यहाँ ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया ट्रांजिस्टर छोटी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिसके जो वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटा होता है ये पहले जनरेशन के अपेक्षा रिएबल है प्रोग्राम करने में और बहुत ही इजी है प्रोग्राम करने में यदि हम कंपेयर करें पहले जनरेशन से इसके अंतर्गत जो सिस्टम है हनीवेल 400, फोर 7030, आई वन सिक्स ज़ीरो फोर यूनिवेक लार्क ये इस समय के कंप्यूटर सिस्टम है सेकेंड जनरेशन के नेक्स्ट आता है थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की हम बात करें तो नाइनटीन सिक्सटी फोर से 1975 सेवेंटी फाइव इसके अंतर्गत आईसी का उपयोग होने लगा क्योंकि इस समय आईसी चिप्स का डेवलपमेंट हो चुका था आविष्कार हो चुका था और उसी आईसी के द्वारा एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया आईसी चिप में जितने भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस डायोड है उनको सबको मिला के एक आईसी चिप बनाया गया और उसी चिप को यूज़ किया गया जिससे इसकी साइज भी छोटी हो गई मेमोरी के लिए लार्ज मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज़ किया गया प्राइमरी मेमोरी के लिए और सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक डिस्क और टेप जो कि जिसकी कैपेसिटी पहले जनरेशन मतलब सेकेंड जनरेशन से ज़्यादा अधिक थी यदि हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया और हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्पेसिफिक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो चुका था उसका उपयोग इस थर्ड जनरेशन में किया गया करेक्टरिस्टिक्स यदि हम देखें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की तो बहुत ही फास्ट है और स्मॉल है कंपेयर टू द सेकेंड जनरेशन बहुत ही रिएबल है और इसमें हम बहुत ही सस्ते और सरल तरीके से इसका कमर्शियल प्रोडक्शन किया जा सकता था उस समय जिसका उपयोग साइंटिफिक कमर्शियल और ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी उपयोग किया गया इस सिस्... में इस समय के सिस्टम जो है आई 360 370 थ्री सिक्सटी पी डी पी एट पी डी पी एलेवन सी डी सी डबल सिक्स डबल जीरो इस प्रकार से कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के हैं नेक्स्ट जनरेशन आता है फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन नाइनटीन सेवेंटी फाइव से नाइनटीन एट्टी नाइन का है इसके अंतर्गत हार्डवेयर में आईसी का उपयोग किया गया है लेकिन यहाँ पर आईसी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया जिसमें कई लाख ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स को इनबिल्ट किया गया और यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया गया आप हार्ड जो सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क जो है उसको कंप्यूटर के अंदर ही बिल्ट किया गया मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क को एज अ पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया के रूप में यूज़ किया गया और इसके अंतर्गत जो है वो जस्ट लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार से हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग करने लगा किया गया इसके अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई थी यहाँ पर जीवाई मल्टीपल विंडो का कॉन्सेप्ट आ गया था एक सिंगल टर्मिनल में स्क्रीन में हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग किया जा सकता था मल्टी प्रोसेसर मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट इस जनरेशन में आ गया था और बहुत सारे पीसी बेस्ड एप्लीकेशन भी फोर्थ जनरेशन में यूज़ होने लग गया था इसकी यदि हम करेक्ट्रिस्टिक्स देखते हैं तो ये स्मॉल है साइज में अफोर्डेबल है रिएबल है बहुत आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं जनरल पर्पस मशीन है किसी भी प्रकार के काम के लिए हम उपयोग किया जा सकता है और इसका प्रोडक्शन कॉमर्शियली प्रोडक्शन बहुत ही ईजी था तो फोर्थ जनरेशन में एक्चुअल में कमर्शियल प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से होने लग गया था और जो कंप्यूटर सिस्टम थे पर्सनल कंप्यूटर के लिए हम बात करें हर लोगों के पास आना शुरू हो गया था इसके अंतर्गत जो सिस्टम है आई वी है और उसके बहुत प्रकार के क्लोन एप्पल सेकेंड टी आर एस एट्टी वैक्स नाइन हंड्रेड क्राई वन क्राई सेकेंड ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्ज़ाम्पल्स हैं नेक्स्ट जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो अभी हम जिस जनरेशन में हैं लेकिन फिफ्थ जनरेशन जो शुरू हो गया था 1989 से तो उस समय से अभी तक बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप होते जा रहा है तो अभी तक का जितने भी का जो यदि हम बात करें हार्डवेयर्स हो चाहे सॉफ्टवेयर हो वो सब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं तो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर में जो हार्डवेयर यूज़ होने लगा वो है अल्टू एल एस आई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंट्रीगेशन पहले हमने वेरी लार्ज स्केल इंट्रीग्रेशन देखा था जो फोर्थ जनरेशन में यहाँ पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया मल्टी कोर प्रोसेसिंग चिप अभी हम बोलते हैं डोल कोर ऑक्टा कोर ये मल्टी प्रोसेसर चिप्स बनाया गया लार्ज कैपेसिटी मेन मेमोरी मेन मेमोरी पहले एम में किलो में होती थी अब आप मेन मेमोरी को देखते हैं तो वन जी बी टू जी बी फोर जी बी सिक्सटीन जी बी वन ट्वेंटी एट जी बी ऐसे आपका मेन मेमोरी की कैपेसिटी है लार्जर कैपेसिटी का हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क भी अब तेरह बाइट में आने लग गया है पहले हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कम थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हो गई है यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क को पोर्टेबल डिस्क के रूप में यूज़ किया गया और कभी भी कर रहे हैं सी का यूज़ करते हैं डी का यूज़ करते हैं इसके अंतर्गत नोटबुक कंप्यूटर है पावरफुल डेस्कटॉप आ गया वर्क स्टेशन है पावरफुल मैन फ्रेम कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर है जो कि पैरलर प्रोसेसिंग के बेस पे है इंटरनेट है तो इस समय के जो हार्डवेयर में मतलब अभी की बात करें तो अब बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें धीरे धीरे हार्डवेयर बहुत ही चेंज होते गया सॉफ्टवेयर के अंतर्गत इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आ गया था तो वर्ल्ड वाइड वेब है मल्टी मीडिया एप्लीकेशंस इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार से सॉफ्टवेयर का उपयोग अभी भी हम देख रहे हैं कि कई प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है यह फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है यदि हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो बहुत ही पोर्टेबल है बहुत ही पावरफुल है बहुत ही सस्ता है रिएबल है यूज़ करने में बहुत ही आसान है बहुत ही पावरफुल मैनफ्रेम कंप्यूटर भी है जनरल पर्पस मशीन भी है और इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन बहुत ही इजी वे पे हो रहा है यदि हम सिस्टम की बात करें यदि हम शुरुआत की बात करते हैं तो आई बी एम पी सी नोटबुक पेंटियम पी सी है सन वर्क स्टेशन है आई बी एम एस पी टू है परम सुपर कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन में ही डेवलप किया गया था तो इस प्रकार से हमारा कंप्यूटर जनरेशन पांच जनरेशन्स में हमने देखा हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखा हम इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि आईटी क्या चीज़ होता है कंप्यूटर क्या होता है कंप्यूटर की करेक्ट्रिस्टिक्स क्या, क्या है कंप्यूटर का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कि कौन कौन से कंप्यूटर कब कब कैसे आया और हमारा कंप्यूटर जनरेशंस तो ये हमारा पहला लेक्चर था तो इसमें हमने बेसिक जानकारी कंप्यूटर और आई के संबंध में हमने दिया है नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्यूटर के संबंध में और आगे जानकारी देंगे ये है कैरेक्ट्रिस्टिक्स जो अभी हमने आपसे बात किया आपको बताया इस कर में इसमें इस वीडियो लेक्चर में बहुत सारे चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमने लिखा हुआ है तो आप लोग वीडियो को पाउज करके जरूर उन इन्फॉर्मेशन को नोट कर लेंगे थैंक यू